हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बकरीद की खास रेसिपी, नल्ली कटाओ गोश्त की रेसिपी। तो इसके लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया और मीडियम साइज़ की बोटी इसकी हमने करा ली है। साथ में हमने 2 नली लिए हैं। आप ज़्यादा नली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 पीस नली और भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कुकर में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया तो 2 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग लिए हैं। और इसे हमें अच्छा सा चटक जाने तक, खुशबू आने तक हमने इसे भून लेना है। तो देखिए, ये मसाला हमारा भून चुका है। तो अब हमने इसमें डालना है गोश्त। जब भी गोश्त डालें, फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और हाई फ्लेम पर गोश्त को हमें इसका कलर चेंज हो जाने तक 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। ये भून रहे हैं तब तक हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 50 ग्राम दही लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हमने इसमें लिया है धनिया और जीरा का पाउडर, और नमक हम इसमें 1 चम्मच ले रहे हैं। नमक और मिर्च जो है आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसमें हम एक और मसाला ऐड करेंगे तो वो मैं बाद में बताऊंगी इसमें और क्या पड़ेगा। इसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच के जितना केवड़ा जल, और अगर आप केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 बूंद ही कीजिएगा, और मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। देखिए, गोश्त भी भुन गया हमारा। तो हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कच्चा लिया है और 2 मीडियम साइज़ का प्याज हमने तल के लिया है। ये मिक्स मसाला ऐड करेंगे हम और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मसाला धो कर के जो हमने इसमें डाल दिया, वो पानी थोड़ा सा और आधा गिलास हमने और पानी इसमें ऐड करे हैं। टोटल 1 गिलास के जितना हमने इसमें पानी ऐड करना है, और कुकर हमने लगा करके इसे 4 से 5 सीटी ले लेना है ताकि गोश्त हमारा 95% तक गल जाए। अब यहाँ पर हमने कुकर को खोल लिया है और ये हमारे पास मीट मसाला है। तो कोई भी कंपनी का आप मीट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एवरेस्ट का ली हूँ और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये 10 रुपये का एक मीट मसाला। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, और इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। इसकी खासियत है ये रेसिपी की कि आपको इसको अच्छी तरीके से भूनना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसका कलर, तेल भी देखिए एकदम सेपरेट हो गया है, और इसका कलर देखिए। आप इसे इस वक्त भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं रोटी पूरी पराठे के साथ, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी गरम पानी और इसमें हम हल्का सा ग्रेवी लगाएंगे। तो हम इसमें डाल दिए हैं गरम पानी, 1/2 से 1.25 गिलास तक गरम पानी, और इसे हम ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ता, और इसे मिक्स करके 5 मिनट एकदम धीमी आंच पर हमने इसे दम देना है। और उसके बाद में 10 मिनट के लिए कुकर लगा हुआ छोड़ देना है, और उसके बाद इस तरह से जब खोलिएगा तो रोगन ऊपर आएगा, बहुत ही खुशबूदार गोश्त।